वेलकम टू द माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं एक्सेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस जो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसको बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप एक्सेल पे बनाए गए शीट पे विभिन्न प्रकार के कंडीशन अप्लाई कर सकते हो जो आप चाहें। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा ये कैसे होगा, इससे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। आप जब एक्सेल को ओपन करते हो तो होम मेनू के आपको स्टाइल के अंदर ये मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हाइलाइटेड सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल्स नाम के ऑप्शंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन ऑप्शंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक शीट बना लेता हूँ, ठीक है ना, वहां से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट वगैरह का जो नाम है हमने वो डाल दिया। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल दिया, ठीक है। वहां पे उसके फादर नेम, या फादर नेम छोड़ दिए, पापा का नाम मत डालिए। यहाँ पे मान लीजिए उसका कोई सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, ठीक, फिर से इंग्लिश, ठीक है, मैथ और समझिए बायो, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। वो लड़का हिंदी इंग्लिश तो पढ़ेगा, उसके साथ इन दोनों में सपोज दैट मान लीजिए वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, चाहे वो मैथ पढ़े चाहे वो बायो पढ़े, ठीक है। और यहाँ पे उसका मान लीजिए टोटल नंबर है, और छोड़िए टोटल नंबर है, आपको बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, आप जैसे समझ जाए। और इसमें मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ, वन लिख कर, वन जब क्लिक कर लेंगे और जब कंट्रोल के साथ आप यहाँ पर कर्सर ले जाते हैं तो देखिए डबल जब प्लस बनता है तो इसका मतलब ये होता है हमारा एक्सेल में कि ये क्या होगा, आपका मल्टीपल वैल्यू दिखाएगा, यानी प्लस होकर दिखाएगा, ठीक। तो मान ली हमने 10 लोग और किसी का नाम बनाया, ठीक, आप देख सकते हैं 1 to 10 ऑटोमेटिक ये ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए मोहन, कोई लड़का है मोहन, ठीक ठीक है, फिर से सोहन, पंकज, बीरबल, अकबर, गट्टू, बिन्नी, ठीक है, सुहानी, सागर, ठीक है, प्रीति, ये 10 नाम है। उनके सब्जेक्ट्स में बताता हूं, इन्होंने पाया हिंदी मान लीजिए 52 नंबर, ठीक है, इसने पाया है इंग्लिश में 85 नंबर, मैथ में आपका पाया है ये 65 नंबर, और बायो नहीं किया है। जो मैथ करेगा वो बायो नहीं करेगा, जो बायो करेगा वो मैथ नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही सोहन नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो पाया है हिंदी में मान लीजिए 68 नंबर, ठीक है, इंग्लिश में पाया है 78 नंबर, और मैथ नहीं किया, वो बायो में पाया है 88 नंबर, ठीक, इन्होंने मैथ नहीं किया, ठीक। ऐसे ही करके हमारे कुछ बच्चे हैं जो क्या किए, ऐसे ऐसे नंबर को पाए हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी नंबर को फिलअप करता हूं, 85, ठीक है, मैं जल्दी नंबर को यहां पे फिल करता हूं, आप देखते रहिए, ठीक है। ऐसे करके मैंने क्या किया, नंबर को सारा फिल कर दिया, ठीक है ना। ये जब नंबर फिल हो जाते हैं, ठीक है, यहां पे मैं जल्दी से और नंबर फिल कर देता हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं मैं नंबर यहां क्या कर रहा हूं, फिल कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे करके मैं बना रहा हूं, किसी को मैं मैथ में नंबर दूंगा, ठीक है, और किसी को बायो में दूंगा 36, ठीक, ऐसे ही, ऐसे करके मैंने क्या किया, नंबर को दे दिया, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो मैंने ये नंबरों को क्या किया, फिलअप कर दिया। तो यहां पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा ये मेरा नंबर फिल हो गया। तो देखिए यहां पर एक तो ये मैंने डाटा सीट जो बनाया जो जिसमें मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा, ये नंबर तो हो गए, लेकिन ये खाली जगह आप जब प्रिंट करेंगे तो अच्छा नहीं दिखता है, या बहुत बड़ा अगर मैटर बना रहे हैं तो ये खाली जगह हमें स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, ठीक। तो क्या हम इस पर कोई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये सीट में कलर फिलअप हो जाए, यानी वो कलर ऑटोमेटिक दिखाए इन पे, ठीक है। तो ये चीज हमें करना है। अब देखिए इसके लिए आप करोगे क्या, आपके दिमाग में जरा क्यों ना यहां समझाए फिल कलर से इस पे कलर फिल कर दें, लेकिन वो जब कलर फिल कर दोगे उसके अंतर्गत लिखोगे तो ये क्या होता है, कलर ऑटोमेटिक उस पर लगा रहेगा, वो हटेगा नहीं। लेकिन अगर हम उस पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो जो हम इसके अंतर्गत लिखते जाएंगे तो जो भी कलर लगा वो ऑटोमेटिक हट जाएगा।
तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद, ठीक, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर जाने के बाद हाईलाइटेड सेल रूल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड सेल रूल्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेल के रूल्स हैं, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें एक अपना खुद का रूल बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब न्यू रूल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा दे रहा है, ये रूल वो रूल, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर से देखिए यहीं पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके नीचे आते हैं मैनेज रूल, ठीक, यहां से भी कर सकते हैं। तीसरा जा सकते हैं, आप देखिए हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। न्यू रूल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमें करना क्या है, ठीक है। अब यहां से बहुत सारा चीज आ गया, ये डाटा जो हमारा है वो ऑटोमेटिक यहां पे दिखा रहा है, बहुत सारी चीज आप यहां से देख सकते हैं। ये देखिए ये से दे रहा है फॉर्मेट एंड सेल कंटेंट, ये सारी चीज दे रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है, तो आपको करना क्या है, आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमको यहां जाना है, ठीक है ना। अब ये इसमें देखिए ऐसे आ गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, हाँ, जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाएंगे, ठीक है, तो आप देखिए न्यू रूल पे जब क्लिक करते हैं, तो ये जब मेरा खुलता है तो ऊपर वाले को क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ नीचे देखिए क्या दिया है, बहुत सारा ऑप्शन है, फिर से नीचे ये हम दूसरा फॉर्मेट मल्टी सेल द कंटेंट, इस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ दिया सेल वैल्यू, तो हमें सेल वैल्यू से ना करके हमें ब्लैंक से निकालना है, क्या करना है, हमें ब्लैंक से निकालना है। तो आप पूछ रहा है आप जो ब्लैंक से करना चाहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग क्या रहेगी, पूछ रहा है जो आप ब्लैंक निकालना चाहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग क्या रहेगी। तो जब आप फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए बहुत सारा चीज है, तो हमें कलर देना है, सपोज दैट हमें क्या करना है, कलर देना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ से ये, चलिए ऑरेंज कलर या आसमानी कलर, जो भी चीज हमें अच्छा लगे वो मैं कलर ले लेता हूँ, चलिए ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना, और ओके करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये अप्लाई होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस सीट को सिलेक्शन नहीं दिया था। अब जैसे ही मैं सीट को सिलेक्शन देके फिर से यहाँ पर जाऊंगा और वही काम ये दोबारा करूंगा, ठीक है ना। तो न्यू रूल पे फॉलो करके ऐसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जाता हूँ ब्लैंक, ठीक है, फॉर्मेट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिल पे जाते हैं, जो कलर आपको देना है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना, और बस ओके कर देना है, कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर लग चुका है। अब ये कलर लग गया तो आपके दिमाग में चलेगा यार ये कलर आ गया, तो इससे क्या होगा, आप इतना डार्क कलर का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, हल्के कलर का यूज करेंगे। मान लीजिए वो लड़का है, बोला आगे आके कि हमें बायो में मैंने नंबर नहीं पाया था, बायो में मैं नहीं पाया था, मैंने मैथ में नंबर पाया था। जैसे आप इसको हटा दोगे तो ये देखो यहाँ कलर फिल हो गया, और यहाँ पर जैसे उसका नंबर, मान ली 85 नंबर डाल के मैंने इंटर किया, तो वहां देखो खाली हो गया, आप देख सकते हो। जैसे मैं किसी भी सेल में नंबर फिल कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक खाली हो जा रहा है, देख रहा है। तो यही होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का भी काम कर सकते हो। वो कैसे होता है, फिर से आप कंडीशन पे जाओ, हाईलाइटेड सेल रूल्स, ठीक है ना, और न्यू रूल पे क्लिक करो। इस पे जब जाओगे तो देखिए फिर से वही सेल कॉन्टेंट से निकालना है। तो मान लीजिए सेल की वैल्यू, ठीक है, बिटवीन किससे किसके बीच, ठीक है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, मान लीजिए ग्रेटर देन निकालना है, ठीक, सेम वही काम करना है। आपको यहाँ पकड़ के रिफरेंस देना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। रिफरेंस देने के बाद वही फॉर्मेट पूछेगा, तो फॉर्मेट में जाके आप मान लीजिए इस बार आप दूसरा कलर दे दो और ओके कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या करता है, यहां से आपको दिखाएगा ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके बहुत ही अच्छा एक डैशबोर्ड बना सकते हो। जैसे आप डैशबोर्ड में कुछ भी कर सकते हो, जैसे डैशबोर्ड हुआ, हम तैयारी कर रहे हैं किसी डैशबोर्ड बनाए, वहां से जैसे हम उसमें फॉर्म फिलअप वगैरह करें तो वो ऑटोमेटिक हट जाए, ठीक है। ऐसे करके आप बहुत जगह पे इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हो सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।